हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड रिज़ल्ट 2021 के बारे में। यहाँ पर दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पर जो है रिज़ल्ट का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, पर यहाँ पर आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का अभी तक जो है रिज़ल्ट क्यों नहीं जारी किया गया है? आखिर क्या वजह है? आखिर क्यों आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड की रिज़ल्ट अभी तक जो जारी नहीं कर पा रही है? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम है वो 20 मार्च 2021 के अंदर कंडक्ट कराई गई थी, जिसपे कि लगभग 2 या 3 महीने हो चुके हैं, पर आरबीआई के तरफ से सिक्योरिटी गार्ड को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है कि आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड की जो एग्ज़ाम है, जो रिज़ल्ट है, वो इस समय कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही है सिक्योरिटी गार्ड रिज़ल्ट को लेकर, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कहना चाहते हैं अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी सारे कैंडिडेट को भी ये अपडेट मिल सके। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसेंटली यहाँ पर अभी यहाँ पर 2 जून को रिज़ल्ट जारी किया गया, और रिज़ल्ट जो जारी किया गया है वो यहाँ पर नन, जहाँ पर देख सकते हैं कि नन CSG पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है इसकी रिज़ल्ट की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी प्रक्रिया यहाँ पर 15 दिनों के अंदर यहाँ पर जो कैंडिडेट है सबमिट करनी है। पर यहाँ पर जो एग्ज़ाम 20 अप्रैल को हुई, इसकी जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर कर दी गई, और जो एग्ज़ाम यहाँ पर 20 मार्च को हुई, यहाँ पर अभी तक उसकी जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर नहीं की गई। आखिर आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड की रिज़ल्ट में इतना डिले क्यों कर रहा है? आखिर वजह क्या है? जो एग्ज़ाम 1 महीना पहले हुई थी उसकी रिज़ल्ट अभी तक जारी नहीं की गई है, और जो एग्ज़ाम 20 मार्च यानी 20 अप्रैल को हुई थी उसकी रिज़ल्ट आरबीआई ने ऐसा जारी कर दिया, ऐसा क्यों? यहाँ पर आखिर क्या वजह है? क्या जून में क्या संभावना बन रही है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्या जून के अंदर आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड की जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया नहीं डिक्लेयर कर दी जाएगी, इसके रिगार्डिंग कैंडिडेट द्वारा आरटीआई फाइल किया गया जिसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड रिज़ल्ट को लेकर आरबीआई से जवाब मांगा गया रिक्वायरमेंट बोर्ड से कि आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड की जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर कब जारी कर दी जाएगी। आरटीआई का जो दोस्तों यहाँ पर जवाब आया आरबीआई की तरफ से कि जो सिक्योरिटी गार्ड की जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर अंडर प्रोसेस है, कभी भी यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड की रिज़ल्ट है वो यहाँ पर जारी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जब तक रिज़ल्ट जारी नहीं होगी तब तक यहाँ पर आपकी फ़िज़िकल नहीं होगी, फिर आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी नहीं होगी, उसके बाद ही जो है आपको यहाँ पर जॉब प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों 3 चरण के अंदर यहाँ पर आपकी सिलेक्शन होनी है, पहला चरण हो चुका है, 2 चरण और बाकी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, पत्रिका न्यूज़ की अपडेट मान सकते हैं, जो आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड रिज़ल्ट को लेकर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो आप सभी के लिए कन्फर्मली डेट नहीं बताया जा रहा है, पर जो आपकी रिज़ल्ट है वो यहाँ पर 16 से लेके 20 जून तक यहाँ पर रिज़ल्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों रिज़ल्ट में लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे रिज़ल्टों को यहाँ पर पेंडिंग किया गया है, जिसके अंदर काफ़ी सारे रिज़ल्टों की यहाँ पर प्रक्रिया अब स्टार्ट कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है रिज़ल्टों में थोड़ी देरी हो रही है, क्योंकि काफ़ी सारे भर्तियों के रिज़ल्ट लॉकडाउन की वजह से रुक चुके थे, क्योंकि रिक्रूटमेंट बोर्ड पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण काफ़ी सारी भर्तियाँ जो आने वाली थी और जिनके रिज़ल्ट परिणाम घोषित होने वाले थे उन सभी पर अब जो है काम चल रहा है। जबकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपके यहाँ पर 15 जून से लेकर 20 जून तक आपको आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड की जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड रिज़ल्ट को लेकर यहाँ पर अभी तक यही अपडेट आ रही थी जो मैंने आपको दे दिया। अगर इससे रिगार्डिंग हमारे पास और कोई भी अपडेट आएगी तो हम अपने चैनल स्टडी जोन के माध्यम से अपडेट जरूर देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी जोन को। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।